राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में 8 करोड़ लोग रहते हैं, जब सरकार बनती है तो सबका समर्थन मिलता है, चाहे किसान हो, युवा हो, अगड़े हो या पिछड़े हो। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जाति की राजनीति या धार्मिक राजनीति लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है। हमें अगली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। लेकिन जब भी भाजपा को लगता है कि वे लड़खड़ा रहे हैं और उन्हें बहुमत नहीं मिलने वाला है और वे हारेंगे, वे ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। लेकिन जनता सब समझती है। मुझे संतुष्टि है कि 3 दिसंबर को हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। देखो, राजस्थान में 8 करोड़ लोग रहते हैं और जब सरकार बनती है तो सबका समर्थन मिलता है। अब चाहे किसान वर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, सब लोगों को साधने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जातिगत राजनीति या धर्म के आधार पर राजनीति करना कोई लोकतंत्र के लिए शुभ और स्वस्थ संकेत नहीं है। हमको तो अगली पीढ़ी को ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कैसे हम इश्यूज़ की, मुद्दों की पब्लिक राजनीति करते हैं। लेकिन जब लगता है भाजपा को कि उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं और उनको बहुमत नहीं मिलने वाला है या वो चुनाव हारेंगे, तब वो इस तरह की बातें करते हैं ध्यान और दिमाग डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है, पब्लिक सब समझती है। और जो हमारा लगातार एक सस्टेन्ड पॉजिटिव कैंपेन हुआ है, जो पब्लिक ने उसको अच्छा रिसीव किया है, जो भीड़ हमारी मीटिंग्स में आई है, उसको देखकर मैं संतुष्ट हूँ कि हमारा अच्छा परिणाम आएगा 3 तारीख को जब मतपेटियों की मतगणना होगी। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, अपना हित समझती है और तमाम प्रचार के बाद, सारी बातें सुनने के बाद अपने विवेक से, अपने अनुभव से आने वाली पीढ़ी के लिए 5 साल का भविष्य वो तय करेंगे और बहुत सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करेंगे। पहली बात तो मतदान अच्छा होना चाहिए। मैं समझता हूँ हर एक को अपने मत का अधिकार है, उनको इस्तेमाल करना चाहिए, सकारात्मक सोच रखें, अच्छी सोच। मैं बार बार कहता हूँ, नेता, नीति और नेतृत्व, इसको देखकर वोट डालें। और मैं आशावान हूँ कि ये बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक एक दिन पहले भीलवाड़ा के जहाजपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस का इतिहास है, अगर कांग्रेस में कोई भी सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए और थोड़ा सा भी कुछ चुभ जाए तो मान लेना उसकी राजनीति को गड्ढे में गई। पीएम मोदी ने कहा था कि राजेश पायलट जी ने एक बार कांग्रेस के इस परिवार को भलाई के लिए चुनौती दी थी, फिर वो भी चूक गए। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उनके बेटे यानी सचिन पायलट को भी सजा देने में लगे हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उनकी खुन्नस बेटे पर निकाल रहे हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिन पायलट पर निशाना साधा था, जिसके जवाब में सचिन पायलट ने ये बातें कही हैं। वीडियो डेस्क, amarjala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।